आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी ट्रांजिस्टर को आप किसी सर्किट में कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। इन तीनों टर्मिनल में आप इनपुट और आउटपुट किस प्रकार से दीजिएगा कि इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलेगा, और तीनों में से किस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग मैक्सिमम प्रयोग करते हैं आज इस क्लास में देखने वाले हैं। तो एक ट्रांजिस्टर का 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांजिस्टर को आप 3 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला कॉमन, एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 अलग अलग प्रकार होता है किसी ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में किस प्रकार से जोड़ते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग एक ट्रांजिस्टर की बात करें तो एक ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल से मिलके बना होता है, एमिटर, सेंटर वाला होता है बेस, और इधर वाला होता है कलेक्टर। इसमें आप 3 टर्मिनल कहें या 3 रीजन कहें या फिर 2 जंक्शन कहें, एक ट्रांजिस्टर नहीं होता है, 3 रीजन, एमिटर रीजन, बेस रीजन, कलेक्टर रीजन, या 3 टर्मिनल कहें, एमिटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल, या फिर आप कहें 2 जंक्शन। 2 जंक्शन मतलब एक जंक्शन एमिटर और बेस के बीच वाला है, दूसरा जंक्शन कलेक्टर और बेस के बीच वाला जंक्शन। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर को आप किस प्रकार से किसी सर्किट में कनेक्ट कीजिएगा ताकि उसका मैक्सिमम पावर गेन, करंट गेन मिले, और इन तीनों में से सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है जिसका प्रयोग हम लोग मैक्सिमम जगह में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉमन एमिटर मतलब इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों साइड में एमिटर टर्मिनल या एमिटर रीजन कॉमन है, तो इस प्रकार से जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अगर एक ट्रांजिस्टर को हम लोग सिंबल बनाए तो कुछ इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का सिंबल बनता है। इसमें 3 टर्मिनल को दिखाया जाता है, ये टर्मिनल होता है बेस, ये टर्मिनल होता है एमिटर, और ये टर्मिनल होता है कलेक्टर। ध्यान रखिएगा अगर ट्रांजिस्टर NPN है तो ये तीर का निशान कलेक्टर से बाहर की तरफ जाएगा, अगर ट्रांजिस्टर PNP है तो ये तीर अंदर की तरफ रहेगा, मतलब ये तीर ऐसे नहीं रहेंगे, कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ रहेगा। लेकिन आज हम लोग NPN ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। तो ये सिंपल एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एमिटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल और ये कलेक्टर टर्मिनल, एमिटर, कलेक्टर और ये बेस। और एक बात, अगर हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनता है, इसमें एक तरफ रहता है पी साइड और एक तरफ रहता है एन साइड। इसका सिंबॉलिक बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये पी और एन। अभी इन्हीं सब डायग्राम के हिसाब से हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर जब भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो तीनों में जो
सप्लाई का पोलरिटी है, आप अगर पोलरिटी को याद रखिएगा तो इजीली से तीनों कॉन्फ़िगरेशन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर को बनाएंगे, एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे पहला है कॉमन एमिटर, मतलब जो एमिटर टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल को बोथ इनपुट और आउटपुट साइड में कॉमन करना पड़ेगा। ये लोड टर्मिनल है, एक तरफ इनपुट सप्लाई देंगे और एक तरफ आउटपुट सप्लाई को लोड देंगे। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट सप्लाई देते हैं हम लोग बेस और एमिटर टर्मिनल में देते हैं, और जो आउटपुट सप्लाई निकलता है वो एमिटर और कलेक्टर के बीच से निकलता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है कि हम लोग RL को डिनोट करते हैं, मतलब लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम लोग इनपुट सप्लाई को दे देंगे। इनपुट सिग्नल यहाँ रहेगा और आउटपुट सिग्नल यहाँ से आएगा। एक ट्रांजिस्टर को चलाने से पहले आपको ट्रांजिस्टर का बायसिंग करना पड़ता है, मतलब जो बेस एमिटर और कलेक्टर एमिटर टर्मिनल का आपको एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ना पड़ता है, तभी ट्रांजिस्टर आपका काम करेगा। और ये बायसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बायसिंग से हम लोग एक टर्मिनल को फॉरवर्ड बनाते हैं और एक टर्मिनल को रिवर्स बायस करते हैं। तो आप सिंपल सा इसका एक फायदा है, कभी भी अगर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उसमें आप एक छोटा सा चीज कीजिएगा, आपको इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये स्टैंडर्ड को याद रखना पड़ेगा, वो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का जब पढ़ रहे हैं तब। मतलब इधर हम लोग पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और इधर नेगेटिव सप्लाई से, फिर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये स्टैंडर्ड आप इसको याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस यहाँ पे आपका कनेक्शन खत्म हो जाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज बिटवीन बी और ई, बेस टू एमिटर वोल्टेज है और ये होगा वोल्टेज बिटवीन एमिटर टू कलेक्टर। अभी इसमें हम लोग करंट फ्लो डायरेक्शन को दिखाएंगे। इस इधर बेस की तरफ एक करंट फ्लो होगा जिसका नाम होगा आईबी, कलेक्टर की तरफ एक करंट फ्लो होगा जिसका नाम होगा आईसी, जिसको कलेक्टर करंट कहते हैं, आईबी का मतलब बेस करंट है, और एक ई टर्मिनल से बाहर करंट आएगा जिसका नाम होगा आईई। तो ये तीनों करंट आईबी आईसी और आईबी आईसी और आईई को इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एमिटर करंट इसके लिए तो होता है आईबी प्लस आईसी। अभी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आपको बस ध्यान इसी बात का देना है कि सप्लाई टर्मिनल कैसे लगाए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो सप्लाई है वो एमिटर और बेस टर्मिनल के बीच दिया जाता है, और जो आउटपुट है उसको हम लोग एमिटर और कलेक्टर से बीच से निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से एमिटर कलेक्टर से आउटपुट, बेस एमिटर से इनपुट। यहीं पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाता है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये ट्रांजिस्टर अगर हम लोग दो पीएन जंक्शन को, मतलब दो डायोड को बैक टू बैक लगाए तो भी एक ट्रांजिस्टर बनता है, यहाँ पे दो जंक्शन बनता है। अभी यहाँ पे सिंपल में आपको ध्यान इतना चीज का रखना है, अगर हम लोग एक डायोड को फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करेंगे, मतलब अगर पी को पॉजिटिव देंगे और एन को नेगेटिव, अगर हम लोग इस डायोड का बात करें पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन को नेगेटिव, तब ये फॉरवर्ड बायस होता है। इसी प्रकार पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव देंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अभी आपको ध्यान इस बात का ही देना है, बेस एमिटर जंक्शन ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस कब होगा,
जब P को मिलेगा पॉजिटिव और N को मिलेगा नेगेटिव। अब इसी को देखिए, बेस किसका बना है, ये है N P N, बेस बना है P, तो P को क्या देंगे पॉजिटिव। देखिए P को पॉजिटिव दे, मतलब जो बेस है वो पॉजिटिव बेस बना है। जो E है, E मतलब क्या है आपके N, तो N को क्या देंगे नेगेटिव। ये साइड फॉरवर्ड वाइज हो गया, इसी तरह एमिटर और ये साइड रिवर्स वाइज हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो इजीली से तीनों कॉन्फ़िगरेशन को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बेस को दोनों साइड से कॉमन रखते हैं, इनपुट साइड और आउटपुट साइड। सेकेंड हम लोग का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसमें बेस को दोनों साइड से कॉमन रखेंगे। तो इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं पहले। ये बेस टर्मिनल है, इसको कॉमन कर देते हैं इनपुट और आउटपुट साइड में। ये एमिटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट दिया जाता है वो एमिटर और बेस टर्मिनल के बीच में दिया जाता है, और जो आउटपुट है वो कलेक्टर और बेस से निकाला जाता है। मतलब ये आउटपुट होगा, ये बेस दोनों साइड से कॉमन है, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम है कॉमन बेस। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों साइड से कॉमन पॉइंट है। इधर हम लोग इनपुट सिग्नल को देंगे, और इधर हम लोग आउटपुट सिग्नल को निकालेंगे। ये आ रहे हैं, आउटपुट सिग्नल। अभी आप ध्यान रखिएगा, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जो सप्लाई का पोलैरिटी है कुछ इस प्रकार से देना पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब इस टर्मिनल को हम लोग बना देंगे नेगेटिव, फिर इसको बना देंगे पॉजिटिव, इसको बना देंगे नेगेटिव और इसको बना देंगे पॉजिटिव। ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सप्लाई हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव ये टर्मिनल का नाम होगा वोल्टेज बिटवीन ई टू बी, मतलब वोल्टेज बिटवीन एमिटर बेस, वोल्टेज बिटवीन बेस टू कलेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें सप्लाई एमिटर और बेस में दिया जाता है और आउटपुट बेस टू कलेक्टर। तो इसको हम लिख देते हैं, सप्लाई इज गिवन बिटवीन एमिटर एंड बेस टर्मिनल एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल। आपको ध्यान ये रखना है, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हम लोग इनपुट
बेस और एमिटर के बीच देते हैं और आउटपुट बेस और कलेक्टर से आउटपुट हमको हम लोग निकालते हैं, जिसमें जो सप्लाई का पोलैरिटी रहता है नेगेटिव पॉजिटिव। अगर इसका हम लोग करंट फ्लो को दिखाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, एमिटर से करंट बाहर निकलेगा, मतलब ये एमिटर करंट है, ये आई सी है और ये हो जाएगा आई बी। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन बचता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो सप्लाई का पोलैरिटी वो किस प्रकार से, आपको ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव ये सीक्वेंस में आपको सप्लाई दे देना है, तभी आपका ट्रांजिस्टर वर्क करना चालू कर देगा। ये तीसरा बचता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर भी उन दोनों की तरफ है, मतलब इसका जो कॉमन पॉइंट दैट मींस कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों साइड से कॉमन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन कलेक्टर इसी प्रकार बनेगा, बस जो सप्लाई का पोलैरिटी है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी कनेक्शन सेम होता है। ये ट्रांजिस्टर इसमें हम लोग कॉमन कर रहे हैं कलेक्टर को, तो एमिटर बन जाएगा ऊपर में, ये टर्मिनल हो जाएगा कलेक्टर और ये टर्मिनल हो जाएगा बेस, ये इनपुट और आउटपुट दोनों साइड से कॉमन है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई क्वालिटी के लिए जगह छोड़ देते हैं और ये इनपुट सप्लाई है और यहाँ से आउटपुट सप्लाई निकालेंगे, इनपुट सिग्नल और यहाँ से हम निकालेंगे आउटपुट सिग्नल। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो सप्लाई पोलैरिटी कुछ इस प्रकार से रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको सिंपल में यहाँ पे पॉजिटिव करना है, यहाँ पे नेगेटिव करना, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, ये बन के तैयार हो गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इजी है, बस आपको सप्लाई पोलैरिटी को ध्यान रखना पड़ेगा कि सप्लाई पोलैरिटी को कैसे हम लोग मैनेज करें। बिल्कुल कॉमन कलेक्टर में बाकी दोनों की तरफ समय से साफ साफ पता चल रहा है, जो इनपुट है वो बेस और कलेक्टर के बीच दिया जाता है, जो आउटपुट है वो कलेक्टर और एमिटर से निकाला जाता है, ये है आर एल, तो इसमें भी लिख देते हैं द इनपुट सिग्नल इज गिवन टू बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम एमिटर एंड कलेक्टर टर्मिनल। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ये बेस्ट जो मतलब कॉमन पॉइंट है इसको अर्थिंग से कनेक्ट करना पड़ता है, ये तीनों में कॉमन है, इन तीनों को जो बाकी जो कॉमन कलेक्टर एमिटर था कॉमन बेस था उसमें भी नीचे में जो कॉमन पॉइंट उसको अर्थ से कनेक्ट करना पड़ता है, तो इसी प्रकार ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में आपको बस ध्यान इसका सप्लाई क्वालिटी में देना पड़ेगा कि सप्लाई क्वालिटी किस प्रकार से जुड़ा जाता है। अभी तीनों कनेक्शन का हम लोग एक बार सप्लाई क्वालिटी को देखेंगे, आप अगर सप्लाई क्वालिटी को देखते हैं तो आप तीनों कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ
different type of transistor configuration. तीनों ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या क्या अलग अलग चीज होता है. तो सबसे पहले हम लेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले लेंगे हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद लेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद लेंगे हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. इन तीनों में से हम लोग सबसे जो पहला कंपैरिजन करेंगे वो इनपुट रेजिस्टेंस के हिसाब से करेंगे. अगर हम लोग कॉमन एमिटर का इनपुट रेजिस्टेंस को देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस इसमें होता है बहुत लो होता है, इसके कंपैरिजन में कॉमन बेस का और ज्यादा लो होता है. मतलब इसमें होता है लो, फिर वेरी लो, और कॉमन कलेक्टर में होता है हाई. अगर इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर में हाई होता है, कॉमन बेस में वेरी हाई होता है, और कॉमन कलेक्टर में लो होता है. तीसरा हम लोग देखेंगे वोल्टेज गेन. अगर हम लोग वोल्टेज गेन की बात करें तो कॉमन एमिटर में वोल्टेज गेन 5 to 20 रहता है, कॉमन बेस में 20 से 100 रहता है, और कॉमन कलेक्टर में लेस देन 1 पाया जाता है. चौथा करंट गेन. अगर हम लोग करंट गेन की बात करें तो कॉमन एमिटर का जो करंट गेन होता है वो होता है 20 to 500. इसमें होता है 20 to 500. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है बहुत कम होता है, इसका मान होता है 0.95 से लेके 0.99. इसी प्रकार जो कॉमन कलेक्टर है इसका करंट गेन होता है 50 to 500. इस प्रकार से हम लोग देखें कि इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन और करंट गेन प्लस जो है वो है फेज शिफ्ट. फेज शिफ्ट इसमें कॉमन एमिटर में 180 डिग्री का होता है, इसमें 0 डिग्री का होता है, और इसमें भी 0 होता है. तो इसी प्रकार से हम लोग कंपेरिजन किए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कन्फिगेशन में. इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर का होता है लो, इससे भी कम होता है कॉमन बेस का, और सबसे ज्यादा होता है कॉमन कलेक्टर में अगर हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें. लेकिन अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है कॉमन बेस का. इसी प्रकार अगर इनपुट रेजिस्टेंस लो देखें तो लो होता है कॉमन एमिटर में, और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है कॉमन कलेक्टर. अगर हम लोग वोल्टेज गेन को देखें तो वोल्टेज गेन का मान कॉमन एमिटर में 5 to 20 होता है, कॉमन बेस में 20 to 100 होता है, कॉमन कलेक्टर में लेस देन 1 होता है वोल्टेज गेन, और करंट गेन होता है इसमें 20 to 500, इसमें होता है 0.95 से 0.99, और उसमें होता है 50 to 500. अगर फेज शिफ्ट की बात करें तो इसमें होता है 180 डिग्री, इसमें होता है 0 डिग्री, और इसमें होता है 0 डिग्री. अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो कॉमन एमिटर का एप्लीकेशन
हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो में किया जाता है और कॉमन बेस का किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में। इसमें बस इतना है, इसका प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो में किया जाता है, इसमें खाली हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में किया जाता है। कॉमन कलेक्टर का उपयोग इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है। ध्यान रखिए, कॉमन कलेक्टर होता है, इसका उपयोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के इस क्लास में लोग सीखें ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार होता है, किस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं, और लास्ट में लोग सीखे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें तीन प्रकार के कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग कंपेरिजन किया। उसमें देखें कि वोल्टेज गेन, करेंट गेन, फेज शिफ्ट, पावर गेन सबसे अच्छा किसमें होता है। आज के क्लास में हम लोग समाप्त करते हैं।